इसलिए हम सभी अर्थ गेमिंग चैनलों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हासिल करना बहुत कठिन है, खासकर जब आप बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत कर रहे हों। इस वीडियो में मैं आपको 7 सर्वोत्तम कार्यान्वयन योग्य सुझाव और रणनीतियाँ सिखाने जा रहा हूँ, जो आपको 0G दिवस से शुरुआत करते समय आगे बढ़ने में मदद करेगी। मेरा नाम मार्कस है, मैं एक वीडियो गेम और यूट्यूब उत्साही हूँ और यह चैनल आपको यूट्यूब पर अपना गेमिंग चैनल बढ़ाने में मदद करने के लिए समर्पित है। मैं हर शनिवार को एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए कृपया सदस्यता लेने में संकोच न करें। अब मैंने बहुत सारे चैनलों के साथ काम किया है और सबसे आम सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वह ये है कि जब आप छोटे होते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को कैसे बढ़ाते हैं। अब आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि क्या ये बहुत बड़ा है या बहुत देर हो चुकी है 2019 में गेमिंग चैनल शुरू करने के लिए, क्षमा करें। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के अंत में अंतिम स्क्रीन पर इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप बाद में इसे देख सकें। अब यदि आपने वो वीडियो देखा है तो आप शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है, बढ़िया, मैंने एक गेमिंग चैनल बनाने का निर्णय लिया, लेकिन अब मुझे कोई प्रगति नहीं दिख रही है। जब मैं YouTube पर अपने चैनल का सटीक नाम कॉपी और पेस्ट करता हूं तो ये सर्च में भी दिखाई नहीं देता है, और जब मैंने शुरुआत की थी तो इससे मुझे बहुत उलझन हुई थी। तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा अगर कोई मुझे देख ही नहीं रहा है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। एक मिनट में मैं आपको एक चैनल को शुरू से विकसित करने के बारे में अपनी कुछ बेहतरीन बातें बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी से अपनी कहानी साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को उनकी असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए ऊंचे स्थान पर रखना बहुत आसान है। और YouTube पर मेरे वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं, लेकिन जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी तो मुझे 50 ग्राहक पाने में एक साल से थोड़ा अधिक समय लगा था। और ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, मैं हर सप्ताह 1 से 2 वीडियो पोस्ट करता था। मेरे पास हजारों डॉलर का सामान था लेकिन कुछ भी नहीं। जाहिर है ये साल बहुत पीछे चला गया। 12वें महीने तक मुझे असफलता का एहसास होने लगा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी अंधेरी सुरंग में चल रहा हूँ। मैं जानता था कि अंत में कहीं न कहीं रोशनी है, लेकिन मैं तो बस चट्टानों पर ठोकरे खा रहा था और अनंत काल तक पूरी तरह से गिरता रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैंने तथाकथित गुरुओं के सभी वीडियो देखे, उनके सुझाव लिखे और अगले वीडियो पर चला गया, लेकिन कुछ भी मदद नहीं मिली। इसलिए बिना अहंकारी हुए मुझे लगता है कि यह उन गेमर्स के लिए सबसे अच्छा वीडियो होगा जो अपने चैनल को शुरू से बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यह वो वीडियो है जो मैं चाहता था कि मेरे पास होता। मेरे जैसा मत बनो, इन सुझावों को सिर्फ लिखकर अगले वीडियो पर न चले जाएं। इस वीडियो को 23,410 बार देखें। हालांकि कई बार आपको ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वास्तव में यही मायने रखता है। ये छोटे गेमिंग चैनलों के लिए एक विशिष्ट कार्यान्वयन योग्य रणनीति है। निम्नलिखित फुटेज में मैं आपके चैनल को बढ़ाने के लिए कई सुझाव देने जा रहा हूँ। मैं सबसे महत्वपूर्ण सुझावों पर चर्चा करते हुए सबसे महत्वपूर्ण सुझावों पर आऊंगा। मैं उन्हें पूरी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप कार्रवाई कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सुझाव एक तरह से स्पष्ट है, लेकिन अपने मेटाडेटा को अनुकूलित करें। मेटाडेटा मूलतः शीर्षक, टैग, विवरण आदि प्रकार का डेटा है जो YouTube को आपके वीडियो के बारे में जानकारी देता है। अब यदि आप एक नए चैनल हैं, तो YouTube के पास आपके बारे में अधिक डेटा नहीं है। YouTube एल्गोरिदम डेटा एकत्र करता है और मूलतः इसका काम उन लोगों के बीच वीडियो को प्रचारित करना है जो उन्हें देखना चाहते हैं। संक्षेप में कहें तो मूलतः यही इसका काम है। इसका काम एक वीडियो ढूंढना और उसे ऐसे दर्शक से जोड़ना है जो उस वीडियो का आनंद लेगा। इसलिए अच्छा मेटाडेटा होने से YouTube को वो डेटा मिल जाएगा जिसकी उसे आवश्यकता है, ताकि हम आपके वीडियो को समूहीकृत कर सकें और दर्शकों के बीच उनका प्रचार कर सकें। अब वहाँ एक लाइन है, आप केवल अत्यधिक डेटा, भारी शीर्षक और विवरण नहीं रख सकते, उन्हें क्लिक करने योग्य भी होना चाहिए। इसलिए जब एल्गोरिदम उन्हें बढ़ावा देता है तो लोग वास्तव में उन्हें देखने में रुचि रखते हैं, लेकिन आपको वो संतुलन खोजना होगा। उदाहरण के लिए, जब मैं पहली बार शुरुआत कर रहा था, जब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर काम कर रहा था जिसे मैं वास्तव में वहां पेश करना चाहता था, जो मेरी सामान्य सामग्री से थोड़ा अलग हो सकता था, या मैं किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष वीडियो के साथ मदद कर रहा था जिसमें केवल मेटाडेटा पर काम करने में 1 से 2 घंटे लगेंगे, ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे, समुदाय का हिस्सा बने। इसलिए यदि आप पहले से ही समुदाय का हिस्सा नहीं है तो आपके लिए आगे बढ़ना और समुदाय में शामिल होना बहुत कठिन होगा। इससे आपको अच्छा महसूस होगा क्योंकि आप अन्य लोगों के साथ जुड़ेंगे, और इससे उन्हें भी अच्छा महसूस होगा क्योंकि आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और संभवतः वे भी आपकी ही तरह की स्थिति में हैं। अपने समुदाय को जानना, अन्य वीडियो पर टिप्पणी करना, अपने समुदाय के लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करना, अपने विषय से संबंधित डिस्कॉर्ड में शामिल होना, और ये सभी अच्छी चीजें हैं जो अब की जा सकती हैं। यह न केवल एक अद्भुत अतिरिक्त प्रदर्शन है, बल्कि इससे आपको अपने लक्षित दर्शकों को बेहतर तरीके से जानने का अवसर भी मिलता है। इसलिए यदि आप गेमिंग वीडियो बना रहे हैं तो आप 75 वर्ष की महिलाओं के दर्शकों को लक्षित नहीं करना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी तब मेरी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच थी, और वास्तव में मैं संभवतः 10 से 15 वर्ष की आयु के बीच था। और यहीं पर आपके लक्षित दर्शकों और आपके समुदाय को जानना वास्तव में आपकी मदद करेगा। इससे आपको रुझानों पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी। प्रवृत्तियों पर निगरानी रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है।
मैंने अन्य वीडियो में भी इस बारे में बात की है, क्योंकि YouTube पर एल्गोरिथम इस पर ध्यान देगा। यह आपके वीडियो को रुझानों से जोड़ देगा और आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को अपने वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर करें और उन्हें सिर्फ इसलिए अपने वीडियो पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करें क्योंकि आपके वीडियो के शीर्षक में कुछ खास रुझान है, लेकिन रुझानों पर नजर रखने से आप वास्तव में ऐसे वीडियो बना पाएंगे जो अन्य लोगों द्वारा बनाए जाने से पहले ही रुझानों से संबंधित होंगे और वे रुझान खत्म हो जाएंगे। अगला सुझाव, वीडियो का प्रचार करें। बहुत से लोग जब शुरुआत करते हैं तो वे एक वीडियो बनाते हैं, उसे पोस्ट करते हैं और आशा करते हैं कि यह कहीं ना कहीं सफल होगा, या इससे भी बदतर वे स्पैमयुक्त प्रचार संदेशों को कॉपी करके 50,000 लोगों के पास पेस्ट कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ प्यार मिलेगा। अब ये टिप पिछले टिप पर काफी हद तक निर्भर करती है। अपनी सामग्री का प्रचार शुरू करने से पहले आपको समुदाय का हिस्सा बनना होगा। समुदाय का हिस्सा बनना एक तरह से आपकी सामग्री का प्रचार करना है, क्योंकि अधिकांश समय लोग आपको अवश्य देखेंगे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपके वीडियो पर अक्सर टिप्पणी करता है और सामान्यतः समुदाय का हिस्सा है, तो आप उसे जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, और यह पदोन्नति का स्वाभाविक रूप है। लेकिन एक बार जब आप समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं तो आप लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि अरे मैंने अभी अभी यह वीडियो पोस्ट किया है, यह उस विषय से संबंधित है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी जांच पड़ताल करें, यह आपको रुचिकर लग सकता है। यदि आप अपने वीडियो को बढ़ावा देने के बारे में अधिक सुझाव चाहते हैं तो मैं पोस्ट कर रहा हूं, या हो सकता है कि मैंने पहले ही आपके चैनल को बढ़ावा देने के लिए एक वीडियो पोस्ट कर दिया हो। यदि यह पहले से ही उपलब्ध है तो मैं इसे इस वीडियो के अंत में लिंक करने का प्रयास करूंगा। यदि नहीं तो सदस्यता ले लीजिए, ये कुछ ही सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगा। यदि आपने अब तक इस वीडियो का आनंद लिया है तो कृपया नीचे लाइक करें, क्योंकि यह जानकारी लोगों तक पहुंचाने में वास्तव में सहायक होगा। मेरा लक्ष्य इन वीडियो के माध्यम से अधिक गेमिंग क्रिएटर्स की मदद करना है और मैं वास्तव में आपके समर्थन की सराहना करूंगा। अगला सुझाव, थंबनेल। थंबनेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में मेरा मानना है कि एक वीडियो के लिए एक अच्छा थंबनेल होना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। लोग किसी भी अन्य चीज को देखने से पहले थंबनेल को देखते हैं। चाहे आपका वीडियो YouTube एल्गोरिदम के माध्यम से लोगों तक जा रहा हो, या आपके द्वारा खोज के माध्यम से आमतौर पर उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा हो, या लोग सिर्फ आपके चैनल पर देखने के लिए क्लिक कर रहे हो, उन्हें वास्तव में लोगों द्वारा उन पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है। अब जाहिर है कि अच्छे शीर्षक और विवरण होने से इसमें मदद मिलेगी, लेकिन लोग पहले थंबनेल देखते हैं। अब अच्छे थंबनेल बनाने के टिप्स। आप चाहते हैं कि वे प्रासंगिक रहें। कोई भी व्यक्ति ऐसा नया मजाकिया वीडियो नहीं देखना चाहता जिसके थंबनेल पर 6 साल पुराना मीम हो, जब तक कि वो मजाक का हिस्सा न हो। आप चाहेंगे कि आपके अंगूठे के नाखून चमकीले हों, क्योंकि इस तरह वे अधिक उभर कर सामने आएंगे। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी जानकारी दूंगा। पीला रंग मानव आंख द्वारा देखा जाने वाला पहला रंग है। यही कारण है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने क्लिकबाइटी थंबनेल के लिए नारंगी पीले रंग के टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। अब ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे थंबनेल आसानी से देखे जा सकते हैं, मैं जिस तरीके को जांचना पसंद करता हूं, उसे मैं आवर्धन परीक्षण कहता हूं, या फोटोशॉप पर उल्टा आवर्धन परीक्षण, या जो भी प्रोग्राम मैं अपने थंबनेल बनाने के लिए उपयोग करता हूं। मैं तब तक जूम आउट करता हूं जब तक कि थंबनेल स्क्रीन पर ना आ जाए और उसका आकार लगभग वैसा ना हो जाए जैसा होना चाहिए। यदि यह एक अनुशंसित वीडियो के रूप में दिख रहा है और जो चीजें मैं दिखाना चाहता हूं वे उस दूरी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो मैं जानता हूं कि यह एक अच्छा थंबनेल है। एक कहानी बताओ, मूलतः नैतिक क्लिकबेट। आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाकर लुभाना चाहते हैं जो उन्होंने पहले न देखा हो या जिसे देखने में उनकी रुचि हो। अधिकांशतः लोग भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। तुम्हें बहुत कठिन समय गुजरना पड़ेगा। एक वीडियो में एक थंबनेल होता है जिस पर 2 शब्द होते हैं, मजाकिया क्षण होते हैं, और फिर एक काली स्क्रीन होती है, क्योंकि उसमें वास्तव में कोई भावना नहीं होती है। यह कोई कहानी नहीं बताता, और कहानी बताना ही उन कारणों में से एक है जिसके कारण क्लिकबेट इतना वायरल हो गया है, और इसीलिए मैं नैतिक क्लिकबेट कहता हूँ। ऐसी कहानी न बताएं जो वास्तव में आपके वीडियो में नहीं है, क्योंकि इससे आप विश्वास खो देंगे। आप नहीं चाहेंगे कि सैकड़ों लोग आपके वीडियो पर क्लिक करें और फिर पहले 20 सेकंड में ही उसे छोड़ दें। इससे YouTube की नज़र में आपका वीडियो नीचे आ जाता है। अगला सुझाव, आला अनुसंधान। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में बाजारों, उप बाजारों और विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में बात की थी। मैं सचमुच आपको इसकी जांच करने की सलाह देता हूं। मैं अंत में लिंक दे दूंगा, इसलिए मैं इस वीडियो में नीशेस के बारे में बहुत अधिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको पिछले वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा कुछ और जानकारी दूंगा। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए सही विषय चुनना एक बड़ी बात थी, जिसने वास्तव में मुझे यूट्यूब की रट से बाहर निकाला। मैं आपको बुरे स्थानों के कुछ विशिष्ट उदाहरण देना चाहता हूँ। जाहिर है अब तक हर कोई फोर्टनाइट के बारे में जानता है। यह अति संतृप्त है। जब तक आप में कुछ विशेष बात ना हो, तब तक 99% संभावना है कि आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि वह क्षेत्र पहले से ही सामग्री निर्माताओं से भरा पड़ा है। मैं अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों से यही कहने की कोशिश करता हूं कि यदि आप अपनी जगह नहीं बना सकते तो या तो अपनी क्षमता बढ़ाएं या कोई दूसरा स्थान खोजें। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपने क्षेत्र के शीर्ष 3 रचनाकारों की तरह नहीं हो सकते, यदि आप स्वयं को अपने क्षेत्र के शीर्ष 3 रचनाकारों में नहीं देख पा रहे हैं, तो कोई दूसरा रचनाकार ढूंढिए। यदि आप पहले से ही किसी विशेष क्षेत्र में हैं और वहां 3 से अधिक ऐसे रचनाकार हैं जो उस क्षेत्र में आपसे बेहतर हैं,
मैं अधिक सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्री की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको अपना खेल बढ़ाना होगा। ठीक है, अब हम दूसरे अंतिम सुझाव पर आ गए हैं और वह है खोज योग्य सामग्री बनाना। अब गेमिंग उद्योग में बहुत सारे वीडियो मनोरंजन आधारित हैं, लेकिन उन वीडियो का खोज में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब लोग उन्हें खोजते हैं तो वे सबसे ऊपर पॉप अप हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं है कि आप उन्हें पछाड़ सकें। तो हम अपने वीडियो को अन्य यूट्यूबर्स के वीडियो के सामने कैसे दिखा सकते हैं जिनके पास हमसे कहीं अधिक सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब एल्गोरिदम के पास उनके चैनल पर कहीं अधिक डेटा है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि खोज योग्य सामग्री बनाएं जो अति विशिष्ट हो और फिर उस वीडियो के दौरान अपने वीडियो को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए, जब मैंने पहली बार अपना पहला वीडियो शुरू किया था तो उसे लगभग 2000 बार देखा गया था, और ऐसा इसलिए नहीं था कि वह एक अच्छा वीडियो था, बल्कि इसलिए कि वह बहुत बुरा था। तो फिर उस वीडियो ने इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों किया? उस वीडियो का शीर्षक था, अपने माइनक्राफ्ट में जानवरों को पैदा होने से कैसे रोकें। अब ये वास्तव में एक बहुत ही विशिष्ट खोज शब्द था जिसे बहुत से लोग नहीं खोज रहे थे। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं उस विषय पर बनाया गया पहला वीडियो था, इसलिए जब लोगों ने इसे खोजा तो YouTube के पास उन्हें मेरा वीडियो देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास बहुत अच्छा थंबनेल था, बहुत स्पष्ट थंबनेल था, और इसीलिए उस वीडियो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। अब समस्या ये थी कि मैंने उस वीडियो में अपनी किसी भी सामग्री का प्रचार नहीं किया था। मुझे जो करना चाहिए था वह ये होता कि मैं कुछ ऐसा कहता कि अरे, मैं इस तरह की नई सामग्री पोस्ट करता हूँ और यदि आपकी उसमें रुचि है तो जाकर उसे देख लीजिए, यदि नहीं तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ब्ला 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 ब्ला। तो आपको जो करने की जरूरत है वह ये है कि आपको छोटे ट्यूटोरियल जैसे वीडियो ढूंढने होंगे जो आप कर सकते हैं। लोग इसकी खोज करेंगे, आपको 1 या 2 हजार लोग खोज करते हुए मिल सकते हैं। फिर उन वीडियो में अपनी अन्य सामग्री का प्रचार करें, और यदि लोग आपको पसंद करते हैं, उन्हें आपकी शैली पसंद आती है, तो वे आपके अन्य वीडियो देखने में भी बहुत खुश होंगे। अंत में आखिरी टिप, आप वास्तव में निराश होने जा रहे हैं, लेकिन यह अच्छी सामग्री बनाने के लिए है। अंततः YouTube का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करना है। YouTube का एल्गोरिदम, संक्षेप में इसका काम दर्शक को उस वीडियो से जोड़ना है जिसे वे देखना चाहते हैं। इससे सभी लोग खुश होते हैं, इससे सबको पैसा मिलता है। अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री के बिना भी यह जीत वाली स्थिति है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा SEO वीडियो हो सकता है और कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं जिसे लोग सचमुच साझा करना चाहें, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत अधिक ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इसलिए आपको मौखिक रूप से साझा किए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह से ये वीडियो, जिनके थंबनेल और शीर्षक बहुत घटिया होते हैं, वायरल हो जाते हैं, क्योंकि लोग इन्हें शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों को अंत तक देखने के लिए प्रेरित करें और फिर वीडियो की लोकप्रियता बढ़ने लगेगी। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। यह वो फॉर्मूला है जिसका उपयोग मैंने अपने चैनल को बढ़ाने के लिए किया था जब मैं पहली बार शुरू कर रहा था। इसलिए इस वीडियो को अपने YouTube मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि यह उन्हें भी उपयोगी लगे। मुझे यकीन है कि वे आपके द्वारा उनके बारे में सोचने की सराहना करेंगे। इसके अलावा मैंने जिन वीडियो का उल्लेख किया है, विशेष रूप से आपकी सामग्री को बढ़ावा देने और क्या आपको 2019 में YouTube चैनल शुरू करना चाहिए, इस बारे में वीडियो अभी स्क्रीन पर है। इसलिए मैं आपको अत्यधिक सलाह देता हूँ कि आप उन्हें जांच लें, क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छी जानकारी साझा करता हूँ। कृपया सुनिश्चित करें कि आप इस सूची पर काम करें। सुनिश्चित करें कि आपने सभी बिंदुओं पर महारत हासिल कर ली है, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप इन बिंदुओं पर महारत हासिल कर लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मेरा नाम मार्कस है, देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले सप्ताह के वीडियो में